टॉरॉय, और नेक्स्ट टॉपिक इज टॉरॉय। एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टॉरॉयड। जो सोलेनोइड को अगर सर्कुलर फॉर्म में घुमा दिया जाए, यानी कि उसके दोनों एंड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए सर्कुलर फॉर्म में उसको टर्न करने के बाद, तो टॉरॉयड बन जाए। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक टॉरॉयड का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। यहाँ पर जो ये क्रॉस है, ये इनवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो डॉट्स हैं ये आउटवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट एस। पी पॉइंट पर फाइंड करना है, क्यू पर और एस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और ये जो क्रॉस वाली लाइन है और ये डॉट वाली जो लाइन, ये टॉरॉयड को रिप्रेजेंट कर रही है। पी पर, पॉइंट पी पर जो डैश्ड सर्कुलर पाथ बनाया गया है आर वन रेडियस का, ये एम्पेरियन लूप है। एस पर जो डैश्ड पाथ बनाया गया है, ये आर टू रेडियस का, ये भी एम्पेरियन लूप है। और क्यू से ऊपर जाता हुआ एक थर्ड एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया गया है, इसकी रेडियस आर थ्री। यानी कि हमें तीन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पर, क्यू पर और एस पर। तो पहला एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया पॉइंट पी से ऊपर जाता हुआ नंबर वन, इसकी रेडियस आर वन है। दूसरा ड्रॉ किया एस से ऊपर जाता हुआ नंबर टू एम्पेरियन लूप, इसकी रेडियस आर टू है। और तीसरा लूप ड्रॉप किया एम्पेरियन लूप क्यू से ऊपर जाता हुआ, इसकी रेडियस आर थ्री है। और यहाँ जो क्रॉस है, ओ से इस क्रॉस तक की डिस्टेंस आर इन है, यानी इनर रेडियस ऑफ टॉरॉयड। और जो डॉट है, डॉट तक की रेडियस आर ओ है, यानी कि आउटर रेडियस ऑफ टॉरॉयड। ये टॉरॉयड का डायग्राम है, इसमें पॉइंट पी इंटीरियर पॉइंट है। पी इस टॉरॉयड के अंदर जो फ्री स्पेस है उसके अंदर पॉइंट है, क्यू इस टॉरॉयड के बाहर एक्सटीरियर का पॉइंट है, और एस इस टॉरॉयड की कोर के अंदर का पॉइंट है। एस जो तीन हमने अभी दिखाए थे, पी क्यू एंड एस, एक एम्पेरियन लूप पी से ऊपर जाता हुआ माना गया था, इसकी रेडियस आर वन थी लूप नंबर वन। एक एम्पेरियन लूप इधर यहाँ कोर के अंदर इस जगह से एस से ऊपर जाता हुआ माना था, इसकी रेडियस आर टू थी। और एक एम्पेरियन लूप क्यू से ऊपर जाता हुआ ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस आर थ्री है। और सेंटर से इस इनर पार्ट की रेडियस आर इन, और सेंटर से आउटसाइड की रेडियस यहाँ की आर ओ, ये थिक है यहाँ से आता। तो सेंटर से इस इनर की रेडियस आर इन, और सेंटर से यहाँ तक की रेडियस आर ओ, आर इनसाइड और आर आउटसाइड। तो फिर टॉरॉयड की रेडियस क्या होगी? टॉरॉयड की रेडियस हम इन दोनों का मीन ले लेते हैं, एवरेज। एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टॉरॉयड। इनर रेडियस ऑफ टॉरॉयड इज आर इन एंड आउटर रेडियस ऑफ टॉरॉयड इज आर ओ। देन एवरेज रेडियस ऑफ टॉरॉयड इज गिवन बाई कैपिटल आर इक्वल आर इन साइड प्लस आर आउट साइड अपॉन टू। एवरेज दे दिया हमने। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने मान लिया कि पर यूनिट लेंथ पर टर्न्स एन, और इस टॉरॉयड की लेंथ स्मॉल एल है या कैपिटल एल है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? एन इंटू एल। और एल किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए, एल होता है टू पाई आर।
तो एन इंटू टू पाई आर हो गए टोटल टर्म्स। हमने ये माना है कि इसकी यूनिट लेंथ में ये एन टर्म्स आ रहे हैं और इसकी लेंथ है टू पाई आर, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे टू पाई आर इंटू एन, टोटल टर्म्स आएंगे टू पाई आर इंटू एन, टोटल टर्म्स टू पाई आर इंटू एन, कैपिटल एन इक्वल टू पाई आर इंटू स्मॉल। या डायग्राम में आप देखिए यहाँ से करंट आई आ रहा है और करंट आई यहाँ से एंटर कर रहा है अंदर, यानी इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा तो क्रॉस से शो होगा, और जब ये वायर टर्न करता हुआ यहाँ से बाहर आएगा तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो उसे डॉट से आउटवर्ड शो करेगा, फिर करंट का डायरेक्शन यहाँ अंदर चला जाएगा इनवर्ड तो क्रॉस हो जाएगा, और फिर यहाँ से घूमता हुआ इधर से फिर बाहर आएगा करंट तो फिर डॉट होगा। तो इस तरह इंटीरियर अंदर आर इनर पर इनर साइड ऑफ टॉरॉइड क्रॉस क्रॉस डायरेक्शन आ जाएगा और आउटसाइड ऑफ टॉरॉइड आउटर सरफेस पर डॉट डायरेक्शन आ जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये इनर सरफेस है टॉरॉइड की, यहाँ क्रॉस आ गए, और ये आउटर सरफेस है टॉरॉइड की, यहाँ पर डॉट्स आ गए। ये पॉइंट पी था इनसाइड द टॉरॉइड इन फ्री स्पेस, ये क्यू है आउटसाइड द टॉरॉइड इन फ्री स्पेस, और ये एस है इनसाइड द सोलेनोइड कोर ऑफ सोलेनोइड, यानी ये सोलेनोइड के विड्थ के अंदर है जिस पर हमने टर्न्स लगाए हुए हैं वायर के टर्न्स किए हुए उसके अंदर है। तो अब आप समझ गए हैं वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट एस। एट पॉइंट पी केस फर्स्ट, एट पॉइंट पी इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड, इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड केस फर्स्ट एट पॉइंट पी इन द ओपन स्पेस इनसाइड टॉरॉइड ऑन अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, इसमें हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्लोज सरफेस क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल क्लोज लाइन लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ बी पी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई वेयर आई इज एनक्लोज करेंट। हम एम्पियर लूप इस तरह लेते हैं कि उसमें बी पी और डी एल के बीच का एंगल जीरो हो, और इस केस में भी होगा ही एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, यू नो द एंगल बिटवीन बी पी एंड डी एल मस्ट बी जीरो एंड एनक्लोज करेंट इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि जो हमने एट पॉइंट पी पर जो एम्पियर लूप ड्राइव ड्रॉ किया है उसके अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो एनक्लोज करेंट विद इन दी एम्पियर लूप मस्ट बी जीरो, और जब करंट जीरो होगा तो सॉल्व करने के बाद पी पी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मैंने टू पाई आर वन लिखा है क्योंकि जो हमने पॉइंट पी पर एम्पियर लूप लिया है उसके रेडियस आर वन ली गई, उसकी रेडियस आर वन है, जो लूप लिया है हमने उसकी रेडियस आर वन है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने लूप लिया है आर वन डिस्टेंस पर पी से आर वन रेडियस का पी से ऊपर जाता हुआ, और क्रॉस और डॉट करेंट इसके बाहर इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, तो टोटल एनक्लोज करंट शुड बी जीरो। तो इस तरह पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट क्यू, क्यू कहाँ पर है इन द ओपन स्पेस आउटसाइड द टॉरॉइड, टॉरॉइड के जब आउटसाइड की बात करेंगे तब भी एनक्लोज करंट जीरो होगा, बी क्यू और डी एल के बीच का एंगल जीरो होगा, और डी एल की वैल्यू टू पाई आर थ्री होगी। एक एक करके समझते हैं, पहले डी एल की वैल्यू टू पाई आर थ्री होगी, डी एल की वैल्यू टू पाई आर थ्री इसलिए होगी क्योंकि जो एम्पियर लूप क्यू से ऊपर जा रहा है
उसकी रेडियस आर थ्री है, और इस लूप के अंदर जितनी डॉट करंट होगी उतनी ही क्रॉस करंट भी होगी, यानी जितनी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उतनी ही करंट क्रॉस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, तो नेट करंट जीरो हो जाएगी। एम्पेरियन लूप के अंदर हमारा रूल होता है, इफ़ वी कर्व आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पेरियन लूप देन करंट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर थंब शुड बी पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द अदर्स आर नेगेटिव। तो यहाँ पर भी लूप का हम अगर कोई डायरेक्शन ले लें तो उसके हिसाब से एक करंट डॉट या क्रॉस में से कोई एक करंट पॉजिटिव होगी और दूसरी करंट नेगेटिव, तो जिसकी वजह से इसके अंदर का टोटल करंट जीरो आए। जैसे हमने यहाँ एस पर करंट क्लॉक एम्पेरियन लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया हुआ है, मान लेते हैं क्यू पर भी क्लॉकवाइज ले लिया, तो आप अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करोगे क्लॉकवाइज तो थंब जाएगा नीचे, यानी क्रॉस पॉजिटिव ली जाएगी और डॉट नेगेटिव, लेकिन जितनी करंट क्रॉस है उतनी करंट डॉट भी है, तो टोटल करंट एनक्लोज फिर भी जीरो ही रहेगा, तो क्यू के लिए टोटल करंट हो जाएगा जीरो। एट पॉइंट क्यू टोटल एनक्लोज करंट बिकम्स जीरो, दैट्स वाई बी क्यू इक्वल जीरो। यहाँ ध्यान रखना है आपको ये आई ई इक्वल जीरो बिकॉज द करेंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज कैंसिल्ड एग्जैक्टली वाई द करेंट गोइंग इन टू इट, जितनी करेंट प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही होती है उतनी करेंट उसमें अंदर भी जा रही है, यानी जितने डॉट होंगे उतने ही क्रॉस करेंट होंगे, टोटल नेट करेंट जीरो हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है इन साइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड एट पॉइंट एस। पॉइंट एस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैंने अभी बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्रॉस करंट पॉजिटिव होगी क्योंकि थंब हमारा डाउनवर्ड होगा, जब हम अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे एम्पेरियन लूप एस के डायरेक्शन में यानी ऐसे करके घुमाएंगे तो थंब आएगा इनसाइड यानी अंदर की तरफ थंब आएगा, तो क्रॉस करंट पॉजिटिव होगा, और आप देख पा रहे हैं कि इस लूप के अंदर सिर्फ क्रॉस करंट आ रहा है, डॉट इससे बाहर चले गए, तो हम केवल क्रॉस करंट को इंक्लूड करेंगे, एनक्लोज करंट में सिर्फ क्रॉस आएगा, जबकि जो लूप क्यू से लिया था उसमें दोनों करंट आ रही थी तो नेट करंट जीरो हो गई थी, बट यहाँ पर सिर्फ क्रॉस करंट आएगी एनक्लोज करंट में तो वो जीरो नहीं होगी, और क्रॉस करंट यहाँ पॉजिटिव आ रही है इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज शो कर रखा है ताकि क्रॉस करंट पॉजिटिव आ सके, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव आता। तो इस तरह से यहाँ पर एम्पेरियन लूप के अकॉर्डिंग एनक्लोज करंट से क्रॉस होगी, लेकिन जैसा कि हम आपको एम्पेयर सर्कुलर लूप के वीडियो में समझा चुके हैं, करंट एनक्लोज ली जाती है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डॉट और क्रॉस यानी जो करंट एम्पेरियन लूप के अंदर है और जो करंट उससे बाहर है दोनों करंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एट पॉइंट एस फ्रॉम एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ फ्रॉम एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ बी एस डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। एम्पेरियन लूप में मैंने बताया था लूप हम इस तरह लेते हैं कि बी एस और डी एल के बीच का एंगल जीरो हो जाए, और बी एस को कांस्टेंट मानकर बाहर लिख लिया, डी एल कॉस जीरो और डी एल की वैल्यू टू पाई आर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यहाँ एवरेज रेडियस आर इक्वल होता है आर इनसाइड प्लस आर आउटसाइड अपॉन टू, और एस तक का जो रेडियस है उसको हमने एवरेज रेडियस कैपिटल आर ले लिया,
यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेडियस है आपका R2, इसे कैपिटल R इक्वल R इनसाइड प्लस R आउटसाइड अपॉन 2 एवरेज रेडियस लिखा जा सकता है। तो R2 को हम कैपिटल R पुट कर दें एवरेज रेडियस की जगह, R2 को कैपिटल R लिख दिया जाएगा। तो यहाँ DL एम्पियर लूप के लिए आएगा 2 पाई R2, लेकिन R2 को कैपिटल R लिख दिया गया क्योंकि हमने एवरेज रेडियस को कैपिटल R मान रखा है, पहले ही बता दिया। और n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे पहले ही, 2 पाई R इंटू n, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ I। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, तो Vs आ जाता है म्यू नॉट n I, वेयर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी n अपॉन n, और l की वैल्यू 2 पाई कैपिटल एवरेज रेडियस की वजह से। अदरवाइज आप इसको 2 पाई R2 भी लिख सकते हो, 2 पाई R2 भी लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने बताया था एम्पीयर लूप के अंदर एनक्लोज करंट में सिर्फ क्रॉस आ रहा है, यानी करंट सिर्फ क्रॉस वाली है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये क्रॉस और डॉट दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम एम्पीयर लूप वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ LHS पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दोनों करंट की वजह से होता है जो लूप के बाहर है और लूप के अंदर है, लेकिन यहाँ एनक्लोज करंट सिर्फ वही होती है जो लूप के अंदर है।